गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर बिल्डर। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले लेक्चर 7 ऑफ चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, फिर इसमें हम लोग पिछले वीडियो जो लेक्चर 6 था उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि कैसे इटली की जो है वो यूनिफिकेशन हुई। ठीक है, इटली की यूनिफिकेशन हमने वहाँ पे पढ़ा था। इटली की यूनिफिकेशन के बाद हमने एक और जगह थी जो कि हमारी थी जर्मनी, वहाँ की भी यूनिफिकेशन हमने पढ़ी थी और कैसे देखा था कि वॉर के थ्रू वहाँ पे जो यूनिफिकेशन था वो हुआ था। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, यानी कि इटली और जर्मनी से जो ब्रिटेन का केस है वो थोड़ा अलग होने वाला है और थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कैसे जो ब्रिटेन है वो यूनिफाई हुआ और यूनिफाई होने के बाद फिर किसी भी देश पे राज कर पाया। ठीक है, और वो अभी ब्रिटेन है कैसे। ठीक है, फिर हम देखते हैं इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ ए सडन अपीवल और रेवोल्यूशन, यानी कि ब्रिटेन में जो नेशन स्टेट की फॉर्मेशन थी वो अचानक से चेंजमेंट या फिर अचानक से रिवोल्यूशन के कारण नहीं हुई थी। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, यानी कि ये बहुत लंबा प्रोसेस था जिसके थ्रू जो ब्रिटेन है वो कहीं ना कहीं यूनिफाई हो पाया था। ठीक है, ये बहुत लंबा प्रोसेस था। ठीक है, देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन, यानी कि तब तक, मतलब जब तक ब्रिटेन नहीं आया था तब तक वहां पे कोई ब्रिटिश नेशन ऐसा नहीं था। प्रायर टू द 18th सेंचुरी, कब तक, 18th सेंचुरी तक, 18वीं शताब्दी तक, ठीक है, ऐसा कोई ब्रिटिश नेशन नहीं आया था। द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहैबिटेड द ब्रिटिश इसल्स वेर इथनिक वंस, यानी कि जो लोगों की प्राइमरी आइडेंटिटीज थी वो कैसी थी बताओ। ऐसी थी जैसे कि वो लोग, कुछ लोग इंग्लिश थे, कुछ लोग वेल्स थे, कुछ लोग स्कॉट और कुछ लोग आयरिश, यानी कि जो ब्रिटेन था वो उस टाइम तक 18वीं शताब्दी तक ब्रिटेन नहीं था। जो ब्रिटेन था वो 4 हिस्सों में आप कह सकते हैं कि बटा हुआ था। ठीक है, कुछ टाइप ऑफ पीपल को लोग इंग्लिश बोलते थे, ठीक है, कुछ टाइप ऑफ पीपल, कुछ कॉमन ग्रुप्स थे जिन्हें हम वेल्स बोलते थे उस टाइम पे 18वीं शताब्दी में, ठीक है, और कुछ टाइप ऑफ पीपल थे जिन्हें स्कॉट बोला जाता था और कुछ टाइप ऑफ पीपल थे जिन्हें ईरिश। ठीक है, यानी कि ये 4 जो ग्रुप थे इसमें ब्रिटेन बटा हुआ था और तब तक ब्रिटेन जैसा कोई नाम नहीं था। ठीक है, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश। हमने जो इटली पढ़ा था, इटली में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे 7 पार्ट में वो जो इटली है वो बटा हुआ था, और जर्मन में हमने ये पढ़ा कि ये 39 स्टेट्स में बटा हुआ था। तो कैसे कैसे फिर जो जर्मनी है उसका यूनिफिकेशन और फिर इटली का यूनिफिकेशन, और अभी हम पढ़ने वाले स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में ये पढ़ते हैं कि जो ब्रिटेन का जगह था, ठीक है, वो पहले 18वीं शताब्दी तक 4 में बटा था, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश में। ठीक है, फिर हम देखते हैं ये जो फ्लैग है उस टाइम में जो वेल्स और इंग्लिश की, जैसे जैसे जो यूनिफिकेशन है वो स्टार्ट हुई तो इंग्लिश और वेल्स आपस में मिले, ठीक है, तो उनकी जो फ्लैग थी वो कुछ ऐसी थी। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और फिर ये जो मैप है वो आपको दिख पा रहा है, ठीक है, ये ब्रिटेन का मैप है। फिर हम देखते हैं ऑल ऑफ दीज इथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस, यानी कि ये जो 4 ग्रुप हैं, ये जो इंग्लिश है, ठीक है, ये जो वेल्स है, ठीक है, ये जो स्कॉटिश है, ठीक है, ये जो आयरलैंड वाले, ये सारे का अपना अपना कल्चर था। ठीक है, यानी कि इनका जो संस्कृति था, इनका जो तौर तरीका था पूजा पाठ करने का या रहने सहने का, वो चारों का अलग अलग था, अपना अपना था। ठीक है, एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन, यानी कि इनका जो राजनीतिक जो ट्रेडिशन था वो भी अलग अलग था। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टीडली ग्रो इन वेल्थ, तो क्या हुआ कि ये जो चारों थे, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश, इन चारों में से जो इंग्लिश है वो धीरे धीरे, जो इंग्लिश नेशन था वो धीरे धीरे वेल्थ में बढ़ने लगा। ठीक है, यानी कि वो धीरे धीरे उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगा, इम्पोर्टेंस एंड पावर। ठीक है, फिर ये इनका वेल्थ के इम्पोर्टेंस, वेल्थ के ग्रोथ के साथ साथ इनका इम्पोर्टेंस भी बढ़ने लगा, और साथ ही में ये जो इंग्लिश नेशन है इनका पावर भी बढ़ता रहा। इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशंस ऑफ द आइलैंड, यानी कि ये जो चारों आइलैंड थे, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरलैंड, तो इंग्लिश का क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगा, लोग वहाँ के रिच होने लगे, इसका पावर बढ़ने लगा, तो इसने थोड़ा थोड़ा, ये जो इंग्लिश नेशन है, इसने थोड़ा थोड़ा वेल्स, स्कॉट आइलैंड पे भी अपना जो दबदबा है, अपना जो इन्फ्लुएंस है, उसको उस पे हावी कर पाने में एबल रहा। ठीक है, उसमें वो सक्सेस हुआ, कौन, इंग्लिश नेशन। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे इनका जो मॉनेटरी बेस था और कल्चरल बेस था, ये चारों अलग अलग था। हमने अभी पढ़ा कि जो इंग्लिश नेशन था, इंग्लिश नेशन का जो वेल्थ है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, और ये जो चारों थे, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश, इन चारों का जो कल्चरल बेस था, ठीक है, पॉलिटिकल बेस था, ये सारा अलग अलग था। ठीक है, तो ये इस तरीके से डाइवर्स थे, कौन, जो ब्रिटेन थे। ठीक है, जो ब्रिटेन अब बनने वाले थे वो इस तरीके से 4 टुकड़ों में बटे हुए थे। फिर हम देखते हैं आयरलैंड सफर्ड ए सिमिलर फेट, ठीक है, आयरलैंड को भी एक ऐसा ही कुछ था जो झेलना पड़ा, प्रॉब्लम झेलना पड़ा, क्योंकि जो इंग्लिश नेशन है वो वेल्थ में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा था, तो ये अपना इन्फ्लुएंस
अदर जो सब कॉन्टिनेंट, अदर जो आइलैंड है, ठीक है, ये चार आइलैंड में बटा हुआ है, तो इस पे भी डाल रहा था। जो आइलैंड था इट वॉज ए कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट, यानी कि जब हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं तो जो ब्रिटेन है वो फोर हिस्सों में बटा हुआ था, ठीक है, फोर आइलैंड में, जबकि जो आयरलैंड था, जो फोर में से एक हिस्सा आयरलैंड है, ये खुद टू टू ग्रुप्स में डिवाइडेड था। कौन कौन से थे ये टू ग्रुप्स? तो वन थे कैथोलिक्स और एक थे प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है, एक थे कैथोलिक्स और एक थे प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ग्रुप था वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, यानी कि जो लोगों का, जो दोनों क्रिश्चियन ही थे, बट इन लोगों का जो पूजा पाठ का तरीका था वो अलग अलग था, ठीक है, अलग अलग मानना था, ठीक है। जो कैथोलिक्स थे वो पुराने माने जाते थे, और जो प्रोटेस्टेंट थे वो उसी के डेरिवेटिव माने जाते थे, कि बाद में जो कैथोलिक्स से ही लोग निकले, मॉडर्नाइज हुए, वो लोग प्रोटेस्टेंट्स में आए। तो जो इंग्लिश था, ठीक है, यानी कि जो इंग्लिश नेशन था, जो इंग्लिश आइलैंड था जिसका वेल्थ बढ़ रहा था, उन्होंने इस आइलैंड के प्रोटेस्टेंट्स की मदद करी टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर ए लार्जली कैथोलिक कंट्री। यानी कि ये जो आयरलैंड था इसमें कैथोलिक बहुत लोग बहुत थे, ठीक है। तो इस कैथोलिक कंट्री में इस इंग्लिश ने हेल्प करा प्रोटेस्टेंट को, यानी इसने डिवाइड एंड रूल करा, ठीक है, इस प्रोटेस्टेंट का सिर्फ हेल्प करा, ठीक है, और इस प्रोटेस्टेंट का हेल्प करके, ठीक है, और फिर इन्होंने ट्राई किया कि ये जो प्रोटेस्टेंट्स का सपोर्ट है वो इंग्लिश की फेवर में ये ले पाए, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ, कैथोलिक रिवोल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वेयर सप्रेस्ड, यानी कि जब इंग्लिश वालों ने जब हेल्प करी प्रोटेस्टेंट्स की, तो जो कैथोलिक्स के रिवोल्ट थे, यानी कि कैथोलिक्स के जो भी मांग हो रहे थे, फिर ठीक है, इनके जो भी जो डिमांड है वो आ रहे थे, इनको दबाए जाने लगा, कैथोलिक अब दबने लगे, क्योंकि इंग्लिश वाली जो नेशन है उसने प्रोटेस्टेंट्स की सपोर्ट करी कहाँ पे, आयरलैंड वाले हिस्से में, ठीक है, आयरलैंड वाले आईलैंड में, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो दो फिगर आपको दिखाए, एक है रोमन कैथोलिक और एक है प्रोटेस्टेंट, ठीक है। और अगर हम सिर्फ कैथोलिक को भी लेके चलते हैं, तो इनका जो थोड़ा मतलब पूजा पाठ ये सब का ढंग था वो प्रोटेस्टेंट से अलग था, इनका जो मानना था, इनका जो डिसीजन था, ठीक है, इनके जो हेड होते थे वो भी प्रोटेस्टेंट से अलग होते थे। तो ये जो कंट्री था आयरलैंड वो दो ग्रुप में डिवाइडेड था, जिसका हेल्प करा इंग्लिश ने, किसका हेल्प करा, प्रोटेस्टेंट का हेल्प करा, और उसका जो प्रोटेस्टेंट का सपोर्ट है वो इंग्लिश को कहीं ना कहीं मिला, ठीक है। अब हम देखते हैं द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688 एट द एंड ऑफ ए प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट वाज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच ए नेशन स्टेट विद इंग्लैंड एट सेंटर केम टू बी फॉर्ज्ड। यानी ये क्या कह रहा है कि 1688 में क्या हुआ कि इंग्लिश की पार्लियामेंट ने पावर को सीज करा, किसकी पावर को सीज करा, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जो वहां पे मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी उसकी पावर को सीज करा, और इसके जो 1688 का रिजल्ट हुआ उसमें ये हुआ कि जो इंग्लिश है वो कहीं ना कहीं जीता था, ठीक है, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सीज करा इन्होंने, और एबल हुआ कि वो एक नेशन स्टेट को बना पाए। इस वजह से यही एक रीजन था, और इंग्लिश जो वेल्थ में बढ़ रहे थे ये कहीं ना कहीं रीजन था कि ये जो इंग्लिश का इंग्लैंड था, ठीक है, इंग्लैंड एट इट्स सेंटर, कहीं ना कहीं ये लोग आने वाले थे, जब ब्रिटेन बनता तो इंग्लैंड सेंटर पे आता, क्योंकि इंग्लिश का वेल्थ स्ट्रॉन्ग था, साथ ही में इन्होंने 1688 में पावर को सीज करा था, ठीक है, किसके पावर को सीज करा था, मोनार्की के पावर को सीज करा था, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि एक्ट ऑफ यूनियन हुआ 1707 में, किसकी किसके बीच में, इंग्लैंड, ठीक है, और किसके बीच में, स्कॉटलैंड, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक्ट ऑफ यूनियन हुआ, ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन हुआ, दैट रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यानी कि 1707 में एक संधि हुई, एक एक्ट ऑफ यूनियन आया, जिसके थ्रू जो इंग्लैंड था, ठीक है, इंग्लिश का जो सेंटर था इंग्लैंड, और जो स्कॉटलैंड था, यानी कि जो दूसरा आइलैंड है, उस दोनों ने आपस में बातचीत करके, ठीक है, एक यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन को बना लिया, ठीक है। अभी तक यहाँ तक इसमें वॉर नहीं आया, जब हमने इटली और जर्मनी का भरा था तो वहां पे वॉर आया था, ठीक है, वॉर हुआ था वहां पे। इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं ये जो इंग्लैंड था, ये जो इंग्लिश का सेंटर पे इंग्लैंड, यानी कि ये जो इंग्लिश आइलैंड बटा हुआ था, इसके सेंटर पे कौन था, इंग्लैंड था, ठीक है, तो ये मेनली इंग्लैंड से रूल हो रहा था, ठीक है, तो इंग्लैंड जो था अब वो एबल था कि स्कॉटलैंड के ऊपर अपना दबदबा बना सके, ठीक है, यानी कि इन दोनों का क्या हो गया, इन दोनों का यूनियन हो गया। तो अब जो ये चार में बटे हुए थे, अब ये सिर्फ तीन में बटे हुए, अब यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में ये जो इंग्लैंड है और स्कॉटलैंड है ये आ गया, और अलग से अब बस आयरलैंड है, और आयरलैंड है, और उसके बाद आपका एक वेल्स है, जहाँ पे आयरलैंड के जो प्रोटेस्टेंट है इनका सपोर्ट इंग्लिश वालों ने करके कहीं ना कहीं इनका सपोर्ट अपने पास ले रखा है, ठीक है।
फिर हम देखते हैं द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज हेंसफोर्थ डोमिनेटेड बाई इट्स इंग्लिश मेंबर, यानी कि जो ब्रिटिश का पार्लियामेंट था जब यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हुआ, जब स्कॉटलैंड और ये ब्रिटिशर्स इंग्लैंड साथ में आए, तो ये जो पार्लियामेंट में किसका दबदबा था, इंग्लिश मेंबर्स का दबदबा था। क्यों? क्योंकि ये इन्होंने कहीं ना कहीं जो दबदबा शुरुआत से इंग्लिश का ही रहा, क्योंकि ये 1688 में इन्होंने मोनार्कियल पावर को सीज भी करा था और फिर इनका इकोनॉमिकली ग्रोथ भी हुआ। द ग्रोथ ऑफ ए ब्रिटिश आइडेंटिटी मीन्स दैट स्कॉटलैंड डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वेयर सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड, यानी कि हर बार की तरह हिस्ट्री में यही होता है कि जब कभी किसी का ज्यादा दबदबा होता है तो जो सेकेंड पार्टी रहता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे स्कॉटलैंड जो है यूनियन में है, तो इनके अब कल्चर यानी इनका जो संस्कार है, इनके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को दबाया जाने लगा। जैसे हमने ऑटोमन एम्पायर को भी देखा था, ऑटोमन एम्पायर, ठीक है, और फिर उसमें हमने देखा था कि ऑटोमन एम्पायर के अंडर जो था, ठीक है, ये देश, फिर उसने आजादी मांगी थी, ठीक है, ग्रीक, ठीक है, ग्रीक का केस हमने पढ़ा था, ठीक है, ये थोड़ा मेरा माउस डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, तो फिर हमने वहां पे पढ़ा था। इसी तरीके से यहाँ पे जो इंग्लिश है, जो स्कॉटलैंड है, ठीक है, ये आपस में आए, लेकिन क्योंकि इंग्लिश का दबदबा था तो ये जो स्कॉटलैंड वाले का जो कल्चरल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, यानी इनका जो संस्कार है और इनका जो राजनीतिक चीजें थी, ये कहीं ना कहीं दबाई जा रही थी, ठीक है। अब हम देखते हैं द कैथोलिक क्लैंस दैट इनहैबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड सफर्ड टेरिबल रिप्रेशन व्हेनेवर दे अटेम्प्टेड टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस, यानी कि जो स्कॉटिश हाईलैंड के कैथोलिक, इन्होंने स्टार्टिंग से जो इंग्लिश वाले थे ये प्रोटेस्टेंट्स के साथ थे, ठीक है, प्रोटेस्टेंट्स के साथ थे और कहीं ना कहीं ये जो कैथोलिक थे इनको दबा रहे थे। तो जब ये जो स्कॉटिश हाईलैंड में जो जो भी कैथोलिक लोग रहने वाले थे, इन्हें कहीं ना कहीं दबाया जा रहा था और ये हमेशा अटेम्प्ट कर रहे थे कि इनको इनकी आजादी मिले, यानी कि इनको इंग्लिश वालों के अंडर में, इंग्लैंड के अंडर में नहीं रहना है। कौन? स्कॉटलैंड के जो कैथोलिक थे, ये इनको दबाया जा रहा था, इनके हमेशा रिवॉल्ट को दबा दिया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जो है वो आयरलैंड के भी कैथोलिक्स में जा रहा था। तो जो प्रोटेस्टेंट है आयरलैंड के, उनका सपोर्ट कहीं ना कहीं और बढ़ रहा था इंग्लैंड की तरफ, और साथ में स्कॉटलैंड भी अभी साथ में, ठीक है, ग्रेट, उसका नाम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन रखा गया, ठीक है। फिर हम देखते हैं द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वेर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज। अब थोड़ा जो चीज है, ठीक है, अब जो थोड़ा रिप्रेशन वाला सिस्टम है वो थोड़ा बढ़ने लगा। जो स्कॉटिश के हाईलैंडर थे यानी कि जो जमींदार थे, इनको अपना लैंग्वेज बोलने से मना कर दिया गया। इनको बोला गया कि आप जो गैलिक लैंग्वेज बोलते हैं आपको ये नहीं बोलना है, और साथ ही में आप जो स्कॉटलैंड का नेशनल ड्रेस पहनते थे वो आपको नहीं पहनना है, क्योंकि अब जो स्कॉटलैंड है और अब जो इंग्लैंड है वो एक साथ मिलकर यूनाइटेड किंगडम बन चुका है, ठीक है, तो इसीलिए आप अपना भाषा छोड़ दीजिए, आप अपना ड्रेस छोड़ दीजिए। लार्ज नंबर वेयर forcibly driven out of their homeland, और जबकि कुछ लोगों ने जब बात नहीं माना तो इनको क्या किया गया, इनको अपने घर से ही, इनको अपने जमीन से ही हटाया गया, ठीक है, खासकर कुछ स्कॉटिश हाईलैंडर थे तो क्योंकि इंग्लिश का दबदबा था तो इन्होंने जबरदस्ती करके भी उनको अपने जमीन से हटाया और उनका जमीन खुद ले लिया, ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा था। फिर यहाँ पे हमने देखा कि जो इंग्लैंड के लोग है वो किसको सपोर्ट करे, वो सपोर्ट करे प्रोटेस्टेंट को, ठीक है। फिर हम देखते हैं आफ्टर ए फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय वोल्फटोन एंड हिज यूनाइटेड एरिसमेन 1798 आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम ऑफ इन 1801, यानी कि एक वोल्फटोन थे, ठीक है, उन्होंने रिवोल्ट करा था, ठीक, एंड हिज यूनाइटेड एरिसमेन 1798 में इन्होंने रिवोल्ट करा था। इसके बाद क्योंकि कुछ नहीं हो पाया तो जो आयरलैंड था, अभी स्कॉटलैंड और इंग्लैंड आपस में साथ में, अभी आयरलैंड के कैथोलिक्स को दबाया जा रहा था, प्रोटेस्टेंट का सपोर्ट मिल रहा था, और इन्होंने वोल्फटोन ने रिवोल्ट किया भी था बट इनका रिवोल्ट जो है वो फेल हो गया था, ठीक है, ये जो रिवोल्ट था वो फेल हो गया था, ये थे वोल्फटोन, ठीक है। तो ये फेल हो जाने की वजह से आयरलैंड को 1801 में यूनाइटेड किंगडम में आना पड़ा, ठीक है, स्कॉटलैंड भी आ गया, आयरलैंड भी आ गया। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड शुरुआत से कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग रहा था, ठीक है। ए न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज फोर्स दो द प्रोपगेशन ऑफ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। अब क्या बन रहा था, अब इनके पास हो रहा था कि एक न्यू ब्रिटिश नेशन है वो आ रहा था, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन रह गया, अब रहेंगे अब बस वेल्स जो है वो अकेला रह गया, ठीक है, बाकी का जो आयरलैंड है, ठीक है, बाकी का जो भी है स्कॉटलैंड इंग्लैंड, ये सारे आपस में साथ आ गए, और जिसमें दबदबा किसका है, इंग्लिश कल्चर का, किसका दबदबा, इंग्लिश कल्चर का, क्योंकि अभी तक ये जो इंग्लिश वाले हैं ये स्ट्रॉन्ग रहे हैं और इन्होंने बाकी के दोनों को दबाया है, ठीक है।
फिर हम देखते हैं द सिंबल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन, द ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक। अब जो है वो न्यू न्यू जो मतलब जब ये लोग तीन लोग आपस में आ गए, साथ आ गए, यूनाइटेड हो गए, तो अब जो ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन बना है, तो किसी कोई भी देश बनता था तो उसके सबसे पहले उस टाइम पे क्या किया जाता था, झंडा बनाया जाता था। तो इन्होंने ब्रिटिश फ्लैग को इनोवेट किया, ठीक है, यूनियन जैक जिसका नाम है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये फ्लैग है, ठीक है। नेशनल एंथम को वो किया, लिखा, ठीक है, या फिर नेशनल एंथम को अपनाया, जो कि ये था गॉड सेव आवर नोबल किंग, यानी कि गॉड हमारे नोबल किंग को बचाइए, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में था, ठीक है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, गॉड सेव आवर नोबल किंग। और साथ ही में इस चीज को नेशनल एंथम बनाया गया, और साथ ही में यहाँ पे ये बता रहा है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज था, यानी कि इंग्लैंड का जो लैंग्वेज था इंग्लिश, इसको एक्टिवली प्रमोट किया गया, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में, यानी कि स्टेजेस पे या फिर बहुत ज्यादा लेवल पे, हाई लेवल पे इसको प्रमोट किया गया। एंड दी ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड ओनली एज ए सबऑर्डिनेट पार्ट इन दिस यूनियन, यानी कि जो इंग्लिश था इसका वेल्थ बढ़ रहा था, तो इसने क्या किया, अपने लैंग्वेजेस को भी बढ़ावा दिया, ठीक है, नेशनल एंथम में इंग्लिश में, और साथ ही में ये जो स्कॉटलैंड है, ठीक है, ये जो स्कॉटलैंड है, साथ ही में जो ये आयरलैंड है, ठीक है, इन सारे को दबाया जा रहा था। ये जो अब ओल्ड कॉन्टिनेंट रह गए, ठीक है, ये जो ये बस सबऑर्डिनेट पार्टनर्स बन के रह गए थे, यानी कि इनका जो कल्चर है या इनका जो पॉलिटिकल चीज है, इस ट्रेडिशंस को नहीं अपनाया गया, ठीक है। किस किसका बात चल रहा था अभी, अभी सिर्फ दबदबा चल रहा है इंग्लिश वालों का, ठीक है। अब हम देखते हैं विजुअलाइजिंग द नेशन। तो इस तरीके से हमने ऊपर वाले में क्या देखा, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे था हमारा स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, और इसी तरीके से आगे जाके जो वेल्स भी है वो इस ब्रिटेन में आके मिल गया, ठीक है, जो वेल्स भी है वो ब्रिटेन में आके मिल गया, और फिर जो ब्रिटेन है वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया, ठीक है, जो कि अभी यूके है, ठीक है। उस तरीके से जो ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वॉर है वो बिल्कुल नहीं हुआ, इसलिए जो सेक्शन था इसका नाम था द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, जबकि जो जर्मनी था, जो इटली था, वहां पे वॉर के थ्रू इन सब चीजों को यूनिफाई किया गया था, बिकॉज वो बहुत डाइवर्स थे। यहाँ पे डाइवर्स होने के बावजूद भी, क्योंकि इंग्लिश वाले बहुत दबदबे में थे, ठीक है, इनका वेल्थ काफी था, तो इन्होंने ऐसे कॉम्प्रोमाइज करके, सप्रेस करके इन्होंने यूनियन कर लिया, ठीक है। फिर हम देखते विजुअलाइजिंग द नेशन, ठीक है, जैसे हमने इंडिया में भी